सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में घंटी दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, इस टाइप का जो भी झटका मशीन है बाजार में, ये टाइप की जो पीसीबी है बहुत ही यूज हो रही है, लेकिन कोई कोई मेरे दोस्त ऐसा समझते हैं कि झटका मशीन डीसी का होता है, लेकिन झटका मशीन डीसी का कभी होता नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है वो कभी डीसी वोल्ट पे ऑपरेट होता ही नहीं है, और इसको एसी वोल्ट ही देना पड़ता है और आउटपुट भी एसी वोल्ट ही निकलता है। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो पार्किंग जो हो रहा है, तो पार्किंग किस वजह से होता है? ये जो है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की वजह से पार्किंग होता है, और वो जो पार्किंग होता है फाट फाट वाला, इसकी वजह से कोई कोई लोग इसको डीसी झटका मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो झटका मशीन है उसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये झटका मशीन की जो पीसीबी है इसके नीचे हम कोई टैप रख देते हैं ताकि वो नीचे शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि हम जब भी झटका मशीन चालू करेंगे तो ये पीसीबी में वोल्टेज जनरेट होगे, वोल्टेज आएंगे, तो इसकी वजह से जो नीचे स्पार्किंग ना हो जाने की वजह से हम इसको नीचे टैप रख देते हैं। ठीक है, अब हम इस झटका मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ जो पीसीबी में जो वोल्टेज पहुँच रहे हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे, वो हमको पहले चेक करना पड़ेगा। तो हमने ये जो मल्टीमीटर लगाया है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट पीसीबी में पहुँच तो रहे हैं, लेकिन झटका मशीन स्टार्ट नहीं होता है, चालू नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम ये झटका मशीन में क्या प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे। ठीक है, देखिए पीसीबी में तो 12 वोल्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो पीसीबी है इसमें जो केमिकल डाला है उसकी वजह से मैं आपको पूरा नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इस टाइप का जो भी झटका मशीन होता है थोड़ा थोड़ा पल्स हो रहा होता है, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ पे जो पीसीबी है उसके पास हम जब कान रखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पल्स हो रहा होता है धीरे धीरे। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या बदलना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आपको मीटर को 20 पे रखना है। ठीक है, 20 पे रख के मशीन को स्टार्ट करके हमको सब अलग अलग जगह पे इसका जो ट्रांजिस्टर वो आईसी जो लगा है वहाँ पे इसका वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ ऐसा मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो पहले हम सब जगह पे जो ये ट्रांजिस्टर लगा है वहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रांजिस्टर, आगे से तो हम वोल्टेज चेक नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से ही करना पड़ेगा। तो देखिए आप इस तरह से कुछ 1.4 के आसपास वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको ठीक ठीक दिखे। तो पहले मैं इसको यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो ये जो उंगली है वो कहीं पे टच ना हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज तो जनरेट हो रहे हैं, मतलब ये ट्रांजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम वोल्टेज आने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज कम दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा होता। ठीक है, अभी एक लगा है इधर, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर है छोटा वाला, देखिए यहाँ पे यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, और एक लगा है यहाँ पे, यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं तो वहाँ कुछ वोल्टेज पल्स हो रहे हैं, लेकिन
कोई चार चार में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऐसा है कि वहाँ पे वोल्टेज इसका रुक जाता है, मतलब ज़्यादा जनरेट ना हो जा होने की वजह से, ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस ना होने की वजह से। देखिए यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आने चाहिए, ये जो ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल लगा है, मैं पहले मशीन को बंद करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल लगा है, वहाँ पे जो आईसी लगी है ये वाली, वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होने चाहिए लेकिन हो नहीं रहे। देखिए मैं आपको मीटर से दिखाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होने चाहिए लेकिन आप देख सकते होगे यहाँ पे कितना हो रहा है। देखिए 17 वोल्ट ही जनरेट हो रहे हैं, और इसको चाहिए मिनिमम 400 वोल्ट चाहिए इसको। ये जो ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल लगा है वहाँ पे इसको 400 वोल्ट, ये जो पीसीबी है उसको चालू होने में 400 वोल्ट मिनिमम चाहिए, लेकिन वोल्टेज कम आ रहे हैं। तो हमको जो संभवित प्रॉब्लम उसका थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसी जो ट्रांजिस्टर है, उसी जो हीट सिंक के बगैर लगता है, उसी को पहले बदल के देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बदल लेते हैं। तो इसको बदलने के लिए आपको डिसोल्डरिंग पंप चाहिए, डिसोल्डरिंग पंप चाहिए इसको निकालने के लिए। इसको क्या करना है, पहले इसको इसको दबाना है। ठीक है, ऐसे दबा के एक जगह पे ये सोल्डर लगाना है, और बाद में इसको यहाँ पे लगा के इसको उठा लेना है, जो जो स्विच है उसको दबा देना है, ऐसे इसका डिसोल्डरिंग हो जाएगा। तो चलिए मैं कर लेता हूँ, आप चाहे तो और बहुत आइडिया है डिसोल्डरिंग करने का, आप वैसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको जिस तरह से ये अच्छा लगता है उसी तरह से इसको डिसोल्डरिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने ये निकाल दिया है, ठीक है, और उसकी जगह पे इसका जो ट्रांजिस्टर है वो हमको जो चालू है उसको लगाना पड़ेगा, बदल देता हूँ, दूसरा डाल के। हाँ, ध्यान रखिए इसको, पीसीबी को जब भी आप स्टार्ट करें इसके पीछे इसके नीचे ये टैप रखना ना भूले, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो चलिए हमने वो बदल दिया है, अब इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये जो एलईडी है वो चालू बंद होना स्टार्ट हो गया है। अब झटका भी देख लेते हैं झटका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो झटका टेस्ट करने के लिए हमको ऐसा इंसुलेटर वायर चाहिए ताकि हमको हाथ में करंट ना लगे। ठीक है, पहले मशीन को हम बंद कर लेते हैं, बंद करके कोई भी एक टर्मिनल पे ये लगा देते हैं ताकि हमको दोनों जो टर्मिनल है वायर के, इंसुलेटर वायर के, उसको पकड़ना ना पड़े। चलिए अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी हम स्पार्किंग करने ही वाले थे, तो अंदर झटका मशीन की जो ट्रांसफार्मर है उसमें स्पार्क हो गया। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है उसमें कहीं स्पार्किंग हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसको बदलना पड़ेगा ट्रांसफार्मर को, क्योंकि ये जो अंदर है वो पावर स्पार्किंग हो गया है। ये पुअर क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी बनाने वाले ने बनाई नहीं है, इसलिए ये स्पार्किंग हो गया। तो पहले हम इसको बदल के देख लेते हैं।
हम आपको लंबा वीडियो ना हो जाए उसकी वजह से आपको कहीं पे थोड़ा थोड़ा कट होके आपको मैं दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, ये जो शोल्डर वगैरह जो मैं मारता हूँ वो आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सब माहिती आपको जरूर मिलेगी। पहले ट्रांसफॉर्मर को लगा देते हैं, देखिए हमने ये ट्रांसफार्मर का टर्मिनल दे दिया है, अब हमको हम चालू करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने जब चालू किया तो ये स्टार्ट हुआ नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, ये जो ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग हो गया इसकी वजह से ये जो हमने बदल देता हूँ, तो चलिए मैं बदल देता हूँ, ठीक है। मैं कभी कभी ऐसे भी डिसोल्डरिंग कर लेता हूँ, नीचे से आईसी को खींचता हूँ और ऊपर बार बार ये जो शोल्डर लगा है वहाँ पे शोल्डर को टच करके नीचे खींचता जाता हूँ, मैं ऐसे भी कभी कभी डिसोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो चलिए हम ये दूसरा नया है उसको बदल देते हैं। देखो पहले जब हमने बदला तो ट्रांसफार्मर फायर हो गया, उसकी वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है दोबारा खराब हो गया था, हमने नया डाला फिर भी खराब हो गया। अब इसको हम दोबारा नया डालते हैं तो इस बार ये खराब नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो फायर हो गया था उसकी वजह से ये खराब हो गया था, अब ये ट्रांसफार्मर को हमने बदल दिया है इसलिए ये दोबारा खराब नहीं होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, किसी भी को हम सीधा कर देते हैं ताकि आपको एलईडी चालू बंद हो वो दिखे। तो चलिए मशीन स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप देख रहे होंगे एलईडी पल्स हो रही है, ठीक है। फिर हम इसको स्पार्क करके देख लेते हैं कि कितना झटका आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि झटका मशीन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, पहले ये मशीन चालू नहीं था, चालू था मतलब बहुत लो वोल्टेज था इसलिए झटका जनरेट नहीं होता है, झटका में जो ट्रांसफार्मर वो आउटपुट दे नहीं पा रहा था। तो हमने पहले ये जो ट्रांजिस्टर बदल दिया, बाद में ये जो ट्रांसफार्मर है वो फायर हो गया, फायर होने की वजह से वो दोबारा खराब हो गया था। तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर ट्रांसफार्मर खराब है तो पहले इसको बदलो, हमने जो गलती की वो आप मत करो, हमने जो ट्रांजिस्टर वो ट्रांसफार्मर जो बदला उसको पहले बदल के बाद में भी वो आप उसको बदल सकते हो ट्रांजिस्टर को। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बहुत सारा समझ में, बहुत सारा जो डिटेल है झटका मशीन को रिपेयरिंग करने का वो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या समझना है, ठीक है। अगर ये वीडियो में मेरा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।